राष्ट्रीय एकता दिवस 2018 राष्ट्रीय एकता के नाम युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का संदेश। आज 31 अक्टूबर है। अपने आधुनिक भारत के अविस्मरणीय और अद्वितीय निर्माताओं में एक सरदार पटेल की आज जयंती है। और सरदार पटेल का रोल भारत के इतिहास में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने ही भारत वो अखंड या अटूट भारत का जो एक फिजिकल स्वरूप देने में, उनके बिना शायद ये काम या तो होता नहीं या अत्यंत कठिनाई से होता। इन्होंने तो सरदार साहब के प्रति पूरा देश एक 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 बड़ी अप्रतिम सी डेडिकेशन की भावना रखता है। और ये काम जो उन्होंने किया अपने समय का सबसे बड़ा चैलेंज था, जो कि आज के युवाओं के लिए एक एक मिसाल है कि कैसे देश के सामने पड़ी हुई समस्याओं को समझें और उसके मद्देनज़र किस तरह से खुद को पेश करें ताकि वो पूरे मुल्क पूरी कौम की तरक्की का एक साधन बन सके। तो मैं समझता हूँ आज के लोगों को, खासकर युवाओं को, क्योंकि आगामी समय उनका होगा, इसे प्रेरणा लें और सरदार साहब के आदर्शों पर चलकर मुल्क के लिए काम करें, देश के लिए काम करें, यही उनसे तवक्को है पूरे मुल्क की। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो इस देश के निर्माताओं में से अग्रणीय रहे हैं, ये उनका जन्मदिन भी है। हम इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हर प्रकार की ब्रदरहुड, यूनिटी युवाओं में, बड़ों में, बच्चों में सुदृढ़ होती है। और हमारी तरफ से, मंत्रालय की तरफ से भी, हमने ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं जिसमें कि हम ज्योग्राफिकल हो, रीजनल हो, कल्चरल हो, रिलीजियस की बेसिस पे जो हमारे डाइवर्सिटी है हमारे देश में, उनके लोगों को इकट्ठा करके एक टीम में शामिल करके उसमें वो आपस में खेलें, जिससे कि और सुदृढ़ होगी ये हमारे देश की जो अखंडता है और यूनिटी है। इस पे मैं बताना चाहूंगा कि एक कार्यक्रम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसमें हमने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से टीमों को बनाया है जिसमें कि एक उत्तर भारत की टीम होगी, उत्तर भारत के खिलाड़ी और दक्षिण भारत के एक स्टेट के खिलाड़ी एक ही टीम में होंगे। इसी तरह से पश्चिम और पूरब के खिलाड़ी एक टीम में होंगे, फिर वो आपस में खेलेंगे। इससे बहुत काफी हद तक जो है हम समझते हैं कि ये एक यूनिटी और सॉलिडारिटी आपस में इससे बढ़ेगी। इसके अलावा भी खेल एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि जब टीम भारत की रिप्रेजेंट करती है भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में, उनमें सब देश के विभिन्न भागों के खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, वो साथ में रहते हैं, साथ में खेलते हैं और उनका जो बॉन्ड बनता है, उनकी जो एक आपस में जो सौहार्द बनता है, वो एक ऐसी चीज है कि जब वो अपने गांव में, अपने प्रदेश में वापस जाते हैं तो उससे जो है ये जो कल्चरल टाइज है एक देश के एक हिस्से और दूसरे हिस्से के, या जो जो विभिन्न संप्रदायों में जो एक सामंजस्य है, वो बहुत सुदृढ़ होता है। तो मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं और सबसे मैं अपील भी करूंगा कि हमारा देश महान इसलिए है क्योंकि इसमें इतनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है और हमारा सबका ये कर्तव्य है कि हम इस यूनिटी को और सुदृढ़ करें और जो है भविष्य में भी इसको सुदृढ़ करने के लिए पूरे प्रयास करते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल इज एन ओल्ड एज मैक्सिम। हमारे देश भारत की विविधता हमारी सबसे बड़ी खूबी है, इसे सहेज कर रखना हमारा फर्ज है क्योंकि तभी हमारे देश की खूबसूरती बनी रह सकती है। तो आइए आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर लौह पुरुष सरदार पटेल के प्रयासों को याद करते हुए हम सभी फिर से स्वयं को इस पावन कार्य के लिए समर्पित करें। जय हिंद। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हम शपथ लें कि जैसे हम अपने इष्ट को हमेशा याद रखते हैं, ना कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर जाने पर, ठीक उसी प्रकार
हम हमारे प्यारे भारतवर्ष एवं विश्व की एकता व अखंडता के लिए आज और हमेशा प्रयत्नशील और क्रमबद्ध रहेंगे। भाई पटेल प्लेड एन इमिनेंट रोल इन यूनाइटिंग दिस नेशन, सो बीइंग अ यूथ ऑफ दिस कंट्री इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी कीप अ कंट्री यूनाइटेड। हमारी ताकत और स्थिरता के लिए हमारे सामने जो जरूरी काम है उनमें लोगों में एकता और एकजुटता स्थापित करने से बढ़कर कोई काम नहीं है। जय हिंद। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ।